जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कागज तैयार हो चुका है। दरअसल ये कागज नीतीश कुमार से अलग होने का है। उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही इस गठबंधन को छोड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने जिक्र किया और अपनी मंशा जाहिर की। लेकिन कुशवाहा के मंशा जाहिर होने के बाद ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में कुशवाहा की लॉटरी लग चुकी है। कुशवाहा का टिकट अब उस गठबंधन का कट चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर भी उपेंद्र कुशवाहा हमलावर रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो राजनीति चल रही है उसमें मुझे बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। मैं लगातार कोशिश करता रहा और 2 वर्ष से मैं पवेलियन में नहीं उतरा हूं। मैं लगातार उस कुर्सी पर बैठा हूं जहां से ना तो काम कर पा रहा हूं और ना काम होने का निर्देश दे पा रहा हूं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की मंशा जग जाहिर है, कुशवाहा की नाराजगी भी जग जाहिर है। कैसे वो नाराज चल रहे हैं इन दिनों और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर है जहां जदयू में उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो, वो फैसले लेने वाली टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है जिसके लिए कुशवाहा आए थे। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो जनता दल यूनाइटेड में लगातार किनारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके समर्थक और उनके जो लोग हैं उसको काफी धक्का पहुंचा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कराया, लेकिन खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हुआ ही नहीं है। कुशवाहा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आज भी जिंदा है। कुशवाहा इलेक्शन कमीशन के अनुसार आरएलएसपी के अध्यक्ष आज भी हैं। कुशवाहा आरएलएसपी को जीवित करने जा रहे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा समय समय पर ये बात तय करते आए हैं कि आखिर आरएलएसपी को खत्म होने से कैसे बचाया जाए। बात की जाए तो कागजी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात के फिराक में है कि किसी भी प्रकार से वो इस गठबंधन से अलग हटकर अपनी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा कर पाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जिसके दम पर लगातार उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अपने दल को चलाया करते थे। लेकिन ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के विरुद्ध कुशवाहा की रणनीति काम नहीं आई और ऐसे में अब अंतिम समय में उपेंद्र कुशवाहा ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में वो अपनी राजनीति खुद अपने दल से करेंगे। इंतजार करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाई यानी उपेंद्र कुशवाहा ने जिन बातों का जिक्र किया कि उनका और नीतीश जी का डीएनए एक है, तो उनके भाई अब अलग दल बनाकर अलग क्यों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आने वाले दिनों में दिल्ली से लौटने के बाद कुशवाहा एक बड़ा विस्फोट कर सकते हैं और इस विस्फोट का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह होंगे। इस बात का जिक्र अब लगातार होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों का विरोध उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, मतलब साफ है कुशवाहा की राहें अब जुदा हो चुकी है। नीतीश से अलग अपनी राजनीति करेंगे, नीतीश से अलग राजनीति की शुरुआत की और फिर विलय का जो षड्यंत्र रचा गया जिसमें लाखों हजारों कार्यकर्ता ठगे गए और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा नए सिरे से अपने दल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।